ये किस काम में आता है? ये ब्लेड की धार लगाने के लिए। ब्लेड की धार लगाने के लिए देख सकते हो कार्बोडिनियम करके है ये, और यूनिवर्सल यानी कि सभी चीज़ों में यूज़ में आने वाली है जी। ठीक है, आप देख सकते हो इसकी वैल्यू वगैरह सब लिखी हुई है। मेड क्या है? बरकडम। अच्छा, देख सकते हो दोस्तों, अगर आप टेक्निकल से रिलेट करते हो तो ये आपको यहाँ पे चीज़ें हमारी जैसे मूर्ति वगैरह बनती है ना, उनकी डिज़ाइन डालने के काम में आती है। अच्छा, मूर्ति बनाने के जो होते हैं ना जो आर्टिस्ट होते हैं उनके काम में आता है ये वाला। जो इसका क्या रेट होता है? ये 100 रुपये पीस है। 100 रुपये पीस है। अच्छा, और आगे ये 40 mm है। हाँ, ये 15 रुपये पीस है। ये 15 रुपये पीस है। ये किस काम में? ये डायमंड घिसने के काम में आता है। ये हार्ड से हार्ड मेटल को काटने के काम में। अच्छा, पॉलिशिंग में ये आता है, ब्रश। हाँ, तो इनके तरीके का अलग अलग, सबका अलग अलग रेट है। थोड़ा आइडिया आता है हमारे पास, दिखाइए। इससे बड़े भी होते हैं। अच्छा, ये बड़े में स्कॉच है। इससे बड़े भी आते हैं हमारे पास। अच्छा, इससे बड़े से सरिया जी, सरिया में। अच्छा, ये देखिए ग्राइंडिंग के टूल्स बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। हाँ, हाई एवरीवन, मेरा नाम है रोशन, आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल रोशन प्रो। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज मैं आया हूँ दोस्तों शॉप नंबर 209 मीना बाजार जामा मस्जिद टूल्स मार्केट। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो टूल्स होते हैं यानी कि ग्राइंडिंग टूल्स होते हैं, स्टोन टूल्स होते हैं, स्टोन ग्राइंडिंग टूल्स होते हैं, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ शॉप में। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। सभी जितने भी जो ग्राइंडिंग टूल्स होते हैं वो सभी उनकी वैरायटियाँ दिखाऊंगा। तो फटाफट से क्या करते हैं, शॉप के ऑनर से मिलते हैं, उसके बाद डैशबोर्ड दिखाता हूँ और थोड़े बहुत आर्टिकल दिखाऊंगा जिसकी वजह से आप लोग देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे वीडियोज़ में लेकर आता रहता हूँ अपने चैनल पर, और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये डैशबोर्ड है अब्दुल वाहिद के नाम से, उसके बाद में ये जो शॉप नंबर है 209, उसके बाद में जो आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। माउंटेड पॉइंट, ग्राइंडिंग व्हील, मीना बाजार, जाम मस्जिद, 11006 में आती है शॉप। और उसके बाद में आपको कैटलॉग दिखाता हूँ। कैटलॉग में आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें, जैसे जो यहाँ पे टूल्स मिलते हैं वो सारी वैरायटी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं कैटलॉग के अंदर में, आप देखिए। ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे भी एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टूल्स की काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पे रखी हुई है जो कि आपको दिखाने के लिए होती है। यहाँ पे जैसे ही आते हो तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। और उसके बाद में ये भी है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप चलते हैं फटाफट से जो शॉप के जो ऑनर हैं भैया उनसे मिलते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ें इनके पास में अवेलेबल है। तो कैसे भैया आप? हेलो, ठीक है, तो बताएंगे आप मुझे कि अपनी शॉप प्रॉपर कहाँ पर पड़ती है और क्या क्या चीज़ में डील करते हो? अपना नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है जी, और हमारी जो शॉप है ये मीना बाजार जामा मस्जिद के एरिया में पड़ती है। अच्छा, तो अपनी डील क्या क्या होती है? हमारी चीज़ है माउंटेड पॉइंट वगैरह, ग्राइंडिंग स्टोन। हाँ, यही चीज़ हमारे यहाँ मिलती है, ग्राइंडिंग का ज़्यादा सारा सामान है। अच्छा, तो चलें दिखाना शुरू करें। चलिए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए जैसे कि ये आइटम है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये किस काम में आती है? ये वेल्डिंग, लोहा घिसने के काम में आती है। अच्छा, जो बावरी वगैरह होती है उनको साफ करने के, फिनिशिंग के काम में आती है। क्या रेट क्या होता है इसका? मिनिमम 20 रुपीज़। ठीक है, 20 रुपये का एक पीस पड़ता है, 20 रुपीज़। फिर ऐसे बोर ग्राइंडिंग में आती है ये। अच्छा, ठीक है, इसका ग्राइंड करने के लिए। अच्छा, इसका क्या रेट होता है? 10 रुपीज़। 10 रुपीज़। ठीक है, और दिखाते हैं फिर हमारे पास और इंटरनल व्हील में बड़ी बड़ी आइटम होती हैं। अच्छा, ये देखिए, तो ये इसका क्या रेट होता है? ये 40 रुपीज़। 40 रुपीज़। इसका साइज भी होता है कुछ? हाँ, बहुत सारे साइज होते हैं, बहुत सारे तरीके के साइज होते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। अच्छा, सब तरीके का मिलता है हमारे पास। ठीक है, बताते जाइए। ये वाला जो इसका क्या रेट होता है? ये 100 रुपये पीस है हमारे। 100 रुपये पीस है। अच्छा, और आगे? ये 40 mm है। हाँ, ये 15 रुपये पीस है। ये 15 रुपये पीस है। और उसके बाद में कई सारी ऐसी वेरायटी भी लगी हुई है, सारी आइटमें होती है हमारे पास, जैसे देख सकते हो। और ये कटर में आती है, कटिंग वगैरह में। अच्छा, हॉल में। तो इनका ये पूरा किट का रेट कितना होगा? ये 1000। 1000, 1000 रुपये का पड़ता है। ठीक है, पूरी किट। ओके, पूरी किट मिलती है। उसके बाद डायमंड्स में आते हैं हमारे पास। अच्छा, ये किस काम में? ये डायमंड घिसने के काम में आता है। ये हार्ड से हार्ड मेटल को काटने के काम में आता है। अच्छा, जैसे कार्बाइड होता है। हाँ हाँ, और उसके आउटर को काटने के, इनर को काटने के उसमें काम में आता है। ठीक, इसका रेट क्या होता है? ये 80 रुपीज़ पीस। ठीक है, 80 रुपये का एक पीस पड़ता है। और उसके बाद हमारे पास पॉलिशिंग्स के लिए आते हैं। हाँ, जैसे आजकल मोल्डिंग्स में चल रहे हैं, उसमें काम आता है ये आइटम है। अच्छा, और ये है। हाँ, फिर डायमंड्स की ये आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तरीके की बहुत सारी आइटम आती हैं। अच्छा, पॉलिशिंग में ये आता है, ब्रश। हाँ, तो इनके तरीके का अलग अलग, सबका अलग अलग रेट है। थोड़ा आइडिया
इसे 20 रुपीज़ पीस है, हाँ ये 80 रुपीज़ पीस है, हाँ ये 15 रुपीज़ पीस है। ओके 15 रुपये जी, ठीक है बहुत ही बढ़िया। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद में और जानते हैं ये जो टूल्स हैं ये जी। हाँ ये हल्की कटिंग के काम है, फिनिशिंग माउंटिंग वगैरह। अच्छा अच्छा, पॉलिश वॉलिश मारने के पॉलिश करें हल्की सी। इसका क्या रेट होता है? ये 20 रुपीज़, ठीक है 20 रुपये पर पीस मिल जाता है। और उसके बाद में और जानते हैं, वैरायटी बहुत सारी है स्कॉच में। अच्छा ये स्कॉच में आता है हमारा। हाँ क्या रेट होता है इसका? ये 15 रुपीज़ पीस है, 15 रुपये का एक पीस पड़ता है। ठीक है दोस्तों, स्कॉच में ये स्कॉच है ये। हाँ और उसके बाद बहुत सारी तरह की वैरायटी होती है, 4-5 कलर होते हैं इसके अंदर। अच्छा और सबके अलग अलग पर्पस हैं। बहुत बढ़िया, दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए स्कॉच में ये भी। क्या रेट होता है इसका? ये भी सेम रेट है, ठीक है 15 रुपये का पीस पड़ता है। कलर अलग अलग है, काम भी अलग अलग है। हाँ अलग अलग काम है, तो आप देख सकते हैं। और हम दिखाते हैं आपको, फिर छोटे में आ जाता है। अच्छा माइनर से काम के लिए। अच्छा तो आप देख सकते हो ये क्या रेट होता है इसका? ये 10 रुपीज़ पीस, ये 10 रुपये 10 रुपये पीस पड़ता है। और उसके बाद में और भी मैं आपको दिखाता हूँ। और बड़े में स्कॉच आता है हमारे पास, दिखाइए। इससे बड़े भी होते हैं। अच्छा ये बड़े में स्कॉच है। अच्छा बड़े भी आते हैं हमारे पास। अच्छा इससे बड़े से बड़े साइज में मिल जाएंगे। तो ये इसका क्या रेट होता है अपने पास? ये 30 रुपीज़ पीस, 30-30 रुपये का पीस पड़ता है। और उसके बाद में ये काफ़ी छोटी चीज़ है, ये सरिया वगैरह पे लगती है। सरिया जी, सरिए में पिलर बनते हैं ना। हाँ हाँ उसमें काम आती है। अच्छा उसको घिसने के काम में आती है, उसको शेप बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, टर्निंग करने के लिए। ओके ओके, क्या रेट होता है इसका? ये 10 रुपये पीस है, 10 रुपये पीस, 10 रुपये पर पीस पड़ जाता है। और उसके बाद में और भी जानते हैं कि और भी क्या क्या टूल्स हैं। अभी देख सकते हो सेम ऐसा ही देखने में, ये सारी आइटम है यहाँ भी आपको दिख जाती है। ठीक है तो आसपास रेट इनका बताइए थोड़ा बहुत। एक रेंज, सब एक रेंज के हैं। अच्छा 10 रुपये पीस। अच्छा 10 रुपये पर पीस पड़ता है, 10 रुपये पीस है सारे। अच्छा बहुत बढ़िया, 10 रुपये बहुत बढ़िया। और बताइए और कहाँ पर है, क्या चीज़ है? ये हमारा डाइयों में लगने वाली। अच्छा अच्छा, ये डाइयों में काम आने वाली चीज़ है, आप देख सकते हो हॉल में, हॉल को बोर करने के लिए। अच्छा अच्छा, सब में लगता है। ठीक है, इसका क्या रेट होता है अपने पास? 15 रुपये पीस है, 15 रुपये पर पीस। चलिए बहुत ही बढ़िया, और बताइए आगे। काफ़ी सारी आप देख सकते हो। अच्छा ये देखिए, ग्राइंडिंग के टूल्स बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। होते हैं बहुत। हाँ इसका क्या रेट होता है अपने पास? इसका अलग अलग पर्पज़ है हर चीज़ का। हाँ बिल्कुल सही, क्या रेट होता है इसका? ये 10 रुपये, 10 रुपये पीस, बहुत ही बढ़िया। और उसके सामने ये देख रहा हूँ वाइट कलर का, क्या है ये? ये स्टील पे काम करता है। स्टील में जी। अच्छा ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काम करता है वो, लोहे पे अलग काम करता है, बहुत बढ़िया। स्टील के लिए अलग होता है, बहुत बढ़िया। इसका क्या रेट होता है बताएंगे? 20 रुपये, 20 रुपये पर पीस मिलेगा, यानी कि जो है 20 रुपीज़ पर पीस पड़ जाता है आपको। और उसके बाद में इधर आते हैं ये। हाँ बताइए इसके बारे में बताइए। ये स्टील को घिसने के काम में आता है, स्टील के घिसने में काम आता है, बहुत ही बढ़िया। इसका क्या रेट होता है? 50 रुपये। इसका साइज भी होगा? हाँ इसका साइज है ना, बताइए बताइए इनके साइज, इनका नंबर बताइए, साइज क्या है इसका? ये 2.5 इंची है, 2.5 इंची का जी। तो ठीक है, और तो अगर आपको जितनी भी साइज का चाहिए तो आप साइज पूछेंगे, फोन पे पूछ लेंगे। ठीक है फोन पे पूछेंगे तो मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में ये वाला बताइए, एक मिनट थोड़ा सा निकाल के देखते हैं। ये देखिए इसके अंदर में ये शेप है, ओरिजिनल पीस है। अच्छा क्या रेट होता है इसका? ये 15 रुपये पीस, 15 रुपये पर पीस। ठीक है देख सकते हो, और आपको दिखा भी दिया है। हाँ भाई ऐसे भी होते हैं। अच्छा ये देखिए, ये किस काम में आता है? ये ब्लेड की धार लगाने के लिए, ब्लेड की धार लगाने के लिए। देख सकते हो कार्बोडिनियम करके है ये, और यूनिवर्सल यानी कि सभी चीज़ों में यूज़ में आने वाली है जी। ठीक है आप देख सकते हो इसकी वैल्यू वगैरह सब लिखी हुई है, मेड इन इंडिया कंपनी है, इंडिया की बनी हुई है। इसका क्या रेट होता है? ये 100 रुपये पीस, 100 रुपये। इसका इंच क्या है? 4 इंच, 4 इंच का है, 100 रुपये का, 100 रुपये पर पीस पड़ जाता है। और उसके बाद में और भी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे लंबे टूल्स क्या हैं? ये लैपिंग स्टिक, लैपिंग स्टिक। अच्छा तो ये किस काम में आती है भैया? ये साइड साफ करने के काम में आती है। अच्छा अच्छा, कार वगैरह में लगती हैं, बड़ी बड़ी मशीनों में काम आती है। ठीक है, जैसे बोर होता है ना सफाई घिसाई के लिए, उसको फिनिशिंग में करने के लिए उस काम में आता है इसका। क्या झीली में काम करने के लिए? हाँ क्या साइज है इसका? ये 6 इंचीज है। अच्छा क्या रेट होता है इसका? ये 100 रुपये का एक पीस, 100 रुपये का एक पीस है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और इसमें का राउंड भी आते हैं मेरे पास। अच्छा ये राउंड भी आप देख सकते हैं जी, ये देखिए। ठीक है ये देख सकते हैं, मीडियम लिखा हुआ है, मीडियम की उम्मीद जो भी है। तो इसका क्या रेट होता है? ये 40 रुपीज़ पीस, 40 रुपीज़ पर, 40 रुपये पर पीस पड़ जाता है। ठीक है,
और उसके बाद में हम आते हैं, और भी वैरायटी दिखाइए। ये आता है, इसका क्या रेट होता है? ये 10 रुपये का है। ये 10 रुपये का है, ठीक है। और भी दिखाइए आप। फिर ये कटिंग व्हील्स आते हैं। ये कटिंग व्हील्स, अच्छा, जो वो ग्राइंडर में लगता है। जी जी जी, ग्राइंडर में लगता है ये, आप देख सकते हैं। कितने रुपए का पत्ता है ये? ये 10 रुपये पीस है। 10 रुपये पीस है, ब्लेड है ये, 10 रुपये का एक पीस पड़ता है। और कंपनी कौन सी है ये? वाइट डव। अच्छा, ये सेकेंड का तो नहीं है? नो नो, ये न्यू है, न्यू जो है प्रोडक्ट है ये। और अभी आप देखोगे और क्या है अपने पास, काफ़ी ज़्यादा टूल्स की वैरायटी है, आप देख सकते हो। अच्छा, ये डायमंड है क्या? हाँ, ये डायमंड लगा। अच्छा, ये क्या किस काम में आता है डायमंड? किस मतलब घिसने के काम में आता है? घिसने के काम में आता है ये। सोनार ज्वेलरी वाले ले जाते हैं ये ज्वेलरी वाले, ज़्यादातर ज्वेलरी में काम आते हैं, ठीक है। ज्वेलरी से यूज़ में आता है, आप देख सकते हो। तो इसका क्या रेट होता है अपने पास? 8 mm 70 रुपीज़ आपको मिलता है 8 mm का, ठीक है, आप देख सकते हो 70 रुपये, ठीक है। और भी देखते हैं, देखिए दिस आइटम इज बरकटर। अच्छा, ये क्या है? बरकटर। अच्छा, देख सकते हो दोस्तों, अगर आप टेक्निकल से रिलेट करते हो तो ये आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। मूर्ति वगैरह बनती है ना, हाँ, उनकी डिज़ाइन डालने के काम में आती है। अच्छा, मूर्ति बनाने के जो होता है ना जो आर्टिस्ट होते हैं उनके काम में आता है ये, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इनके रेट वेट के आसपास थोड़ा बहुत, 50 रुपीज़ पीस है, 50 रुपये का एक पीस पड़ता है आपको, 50 रुपये पर पीस। कार्बाइड का है, कार्बाइड का है ये, कार्बाइड टूल्स है। और उसके बाद में ये खूब सारे यहाँ पे आपको टूल्स दिख जाते हैं, इसमें दिखाएंगे आप इसमें क्या चीज़ है? देखिए ये क्या चीज़ है ये सरफेस काम करने का काम में, सरफेस उसको फिनिशिंग करने के काम में आता है, सरफेस की फिनिशिंग करने के काम में, ठीक है। और इसका आप देख सकते हैं डिज़ाइन वगैरह कैसा है, ठीक है। तो इस साइड से काम करता है ये, ऊपर से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, घिसने के काम में आता है। और इसका रेट क्या होता है? 15 रुपये का एक पीस पड़ता है, आप देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रहा है। कई और तरीके के भी होते हैं, और डिज़ाइन है अलग अलग तरीके का सब। अच्छा, ये ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका क्या रेट होता है? सेम रेट है, सेम रेट 15 रुपये यानी 15 रुपये पर पीस पड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी वीडियो के अंदर में सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि नीचे भी बहुत सारी डिज़ाइन के टूल्स वगैरह रखे हुए हैं, नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। आप लोग कमेंट करना, कमेंट करेंगे तो मैं इसका सेकेंड पार्ट भी लेकर के आऊँगा इस वीडियो का, तो आप लोग देखना उसमें क्या क्या चीज़ें हम दिखाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो आप लोग बताना वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सवाल है, ज़रूर जाके पूछना, उसका रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है दोस्तों। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नए एनर्जी के साथ। ओके दोस्तों, बाय।